श्योपुर में ठेकेदारों ने फाइल गुम होने पर नगरपालिका पर आरोप लगाया। ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 2-3 वर्षों से हमारी फाइल गुम हो रही है। इसको लेकर नगरपालिका सीएमओ और कलेक्टर को हम आवेदन दे चुके हैं। आवेदन के आधार पर कलेक्टर ने नगरपालिका को निर्देशित किया कि संबंधित को आदेश दिए थे कि सारा रिकॉर्ड मिलाकर ये बताएं कि फाइल गुम है या नहीं, और जब रिकॉर्ड मिलाया गया तो 6 फाइलें गुम हो रही हैं। इसको लेकर सीएमओ को कई बार बता दिया गया, लेकिन कलेक्टर के आदेश के बाद भी नगरपालिका सीएमओ अपने कर्मचारियों पर कोई भी कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि कलेक्टर के आदेश का नगरपालिका के कर्मचारियों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठेकेदारों का ये भी कहना है कि उन फाइलों में इंजीनियर के द्वारा बिल बना दिए गए और बिल बनने के बाद हम सब की फाइल गुम हुई है, जिसमें हमारा बहुत सारा भुगतान होना है। 6 फाइलों में करीब टोटल भुगतान 10-15 लाख रुपए है, और जब ठेकेदार कर्मचारियों से फाइल के बारे में पूछते हैं तो कर्मचारी बोलते हैं कि फाइलें ढूंढ रहे हैं। इसको लेकर ठेकेदार मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद भी संबंधित पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पिछले 3 साल से मेरी 2-3 फाइलें घूमे यहाँ से, 2 फाइलों का तो मुझे पता है, बाकी और अगर छोटी मोटी फाइलें उनका भी कुछ ढूंढी भी नहीं है तो उनका पता भी नहीं है। 2 फाइलों के संबंध में पहले सीएमओ थे आनंद शर्मा जी, उनको आवेदन दिया, फिर मिनी अग्रवाल थी उनको दिया, यहाँ सीएमओ साहब को दिया, पर कोई कार्यवाही तो नहीं हुई। फिर हमने कलेक्टर महोदय जो प्रशासक है नगर पालिका के, उनको आवेदन दिया तो उस पर उन्होंने कार्रवाई की और यहाँ उन्होंने पत्र भेज के और इनसे जवाब मांगा है उसमें, लेकिन फाइलें अभी तक भी नहीं मिली हैं। मेरी एक फाइल है, आपके किस चीज की फाइल है? मेरी एक फाइल है जो मैंने रोड पे जो मेन बाजार है और टोली पुल दरवाजे तक रोड की मार्किंग की थी लाइन की, उसकी फाइल है, जिसमें मेरा 1,80,000 रुपए का मेरा बिल बना हुआ है MB में और फाइल पे चढ़ा हुआ है और फाइल बिल सहित गायब है वो। और एक फाइल है मेरी बस स्टैंड के गेट की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड है उसके गेट की, जिसमें मेरी अमानत राशि 50,000 रुपए, वो दोनों फाइल मेरी गायब है। आशीष शर्मा नाम है। आपने आवेदन दिया था, आवेदन के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा 2 साल में मैंने 2 कार्य किए हैं तो दोनों फाइल के बिल बन चुके हैं और अभी तक दोनों का ही पेमेंट मेरे लिए भुगतान नहीं हुआ है। एक नाला निर्माण किया था मुनम्बर वाली गली से और एक CC निर्माण किया था कृष्ण मेरे गार्डन के पास में, जो कृष्ण मेरे गार्डन के पास में किया था उसकी राशि थी 8 लाख रुपये और ये नाला निर्माण था 1-2 लाख रुपये। ऐसे 2 फाइलें हैं तो दोनों के बिल बन चुके हैं, मगर मेरी ऑफिस में दोनों ही फाइलें नहीं है। जैसे कि ऑफिस में फाइल नहीं है तो आखिर फाइल गई कहाँ पे? अब इसकी कोई जानकारी नहीं है, आपने कोई बताता ही नहीं है क्या है, तो इस विषय में तो इसके संदर्भ में आपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी तो बात की ना नगर पालिका में, क्या बोल रहे हैं? कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला, ऐसे ही घुमा दिया जाता है बार बार, कई बार मैंने चक्कर भी लगाए मगर अभी तक कोई जवाब के नाम पर क्या बोलते हैं? जवाब के नाम पर कुछ बोलते हैं देखते हैं, कोई संतुष्टिपूर्वक मतलब ऐसा नहीं मिला जिससे। कितने का निर्माण कार्य किया आपने? एक के 2 लाख रुपए का था, 8 लाख रुपए का, 2 कार्य हैं जिनके बिल भी बन चुके हैं मगर भुगतान नहीं हुआ है, 2 साल से अधिक का समय हो चुका है। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। किस चीज को लेके आप आज यहाँ पे आए? किले रोड पे एक पुलिया बनाई थी लगभग 3 लाख रुपए की, 3 साल हो चुके हैं लगभग, फाइल का कोई पता नहीं है कहाँ पे, सभी बाबू एक दूसरे पे डाल देते हैं। इस संदर्भ में कलेक्टर साहब से बात की थी, उन्होंने जाँच के आदेश दिए थे, अधिकारियों को समय दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो जिस तरह के कलेक्टर साहब ने जो आदेश वगैरह इनको जारी किए तो उनकी अवहेलना यहाँ पे कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? इस पे इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, किसी पे कोई ना कोई कार्रवाई है अभी तक, ना कोई संतुष्टिजनक जवाब दिया है, इसकी कार्रवाई होना चाहिए, किसी भी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। कलेक्टर साहब की बात की अवहेलना है, कब से चक्कर काट रहा है? लगभग 3 साल ही हो गए, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई CM हेल्पलाइन भी लगाई है वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। कितना पेमेंट निर्माण कार्य का है? लगभग 3 लाख रुपए। 3 लाख मेरे लिए बहुत है। आपका पेमेंट है वो फाइल अभी तक, जो पेमेंट की जो फाइल है आपकी, वो कोई पता नहीं फाइल किसके पास है, सभी अधिकारी कहते हैं उनके पास थी, उनके पास थे, ढूंढ रहे हैं, इसी में 3 साल निकल गए, 30 साल भी निकल जाएंगे अगर कोई जांच नहीं करता ढंग से।